तो हाथरस से बड़ी खबर, जहां पर हाथरस के सिकंदराव के रतिपुर भानपुर में बहुत बड़ी घटना हो गई। दरअसल सत्संग पांडाल में भगदड़ से अब तक 75 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जो है 75 से ज्यादा मौत हो चुकी है। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मरने वालों की और संख्या बढ़ सकती है, काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास स्थित रति भानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। पांडाल में भयानक उमस और गर्मी के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस पहुंचने में बहुत विलंब हुआ। स्थानीय लोगों ने आसपास के अस्पताल में एटा के हॉस्पिटल्स में घायलों को भेजा। सीएमओ एटा ने 25 महिलाएं और 2 बच्चों की कुचलकर मौत की पुष्टि भी की है। हाथरस प्रशासन ने 48 लोगों की मौत की पुष्टि की। यहां भी मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और उनके साथ आए छोटे बच्चे शामिल हैं। लखनऊ में किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक कोई अपडेट साझा नहीं किया है। फिलहाल मौजूद लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें घायल हालात में अस्पताल के जिलों में अलग अलग भेजा गया। सिर्फ एटा के सरकारी अस्पताल में 27 लाशें पहुंच चुकी हैं, जिसमें 25 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हाथरस में 48 लाशें गिनी जा चुकी हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती, तो बहुत बड़ा हादसा हुआ। दरअसल सत्संग पांडाल में भगदड़ से 75 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दरअसल संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास स्थित रतिभानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, और गर्मी उमस के चलते भगदड़ मच गई और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 2:30 चले गए समझ कितने लोग हैं, 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लंबाई चले गए, और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है, ना डरो ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे 27 सब आ चुके हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। कुल सब कितने आ चुके हैं? 27 और कुछ घायल भी आए हुए हैं। घायल भी हैं। सर क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं, और अब जो तो सत्संग के दौरान, हाँ ये सुना है सर, सत्संग में भगदड़ के दौरान। देखिए बहुत ही दुखद घटना एक हुई है, और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहां एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं, और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? भगदड़ के कारण हुआ है।